सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मिलनवासी। साथियों, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि भारत में कितने प्रकार के बुद्धिस्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन करना होता है, वर्गीकरण करना होता है, तो मैंने इसका जो आधार है वो आधार बाबा साहब अम्बेडकर को माना है, और बाबा साहब अम्बेडकर को केंद्र में रखकर भारत में रहने वाले बौद्धों का क्लासिफिकेशन किया है। तो अब अगर बाबा साहब अम्बेडकर को केंद्र में रखकर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसमें पहले प्रकार के वो बुद्धिस्ट है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं। बाबा साहब को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया उसको भी मानते हैं, उसको भी स्वीकार करते हैं, और अपने घर पर, परिवार में और समाज में बुद्धिस्ट संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, बल्कि बुद्धिज्म का काम भी करते हैं। तो ये ज्यादातर जो लोग हैं ये महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे, जिन्होंने 1956 में बाबा साहब जब जीवित थे तो उस समय उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में आज तीसरी या चौथी पीढ़ी जो है वो बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हुई, तो एक तरीके से वो बुद्धिस्ट परिवार ही हो गया। और आज के जो नई पीढ़ी जो पैदा हो रही है महाराष्ट्र में, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और बुद्धिज्म को मानते हैं, तो वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हो रहे हैं। तो एक ये बुद्धिस्ट है जो बाबा साहब को भी मानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं। दूसरे वो बुद्धिस्ट है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन बुद्ध को नहीं मानते। मेरी नजर में वो बुद्धिस्ट ही है, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म को मानने नहीं मानने का वो बात का मैटर है, लेकिन भारत एक समय में अगर बौद्धमय था और संपूर्ण भारत बौद्धमय था, और उसमें भी जो इस देश में रहने वाले नागवंशी जो लोग थे वो कट्टर बुद्धिस्ट थे, वो बौद्ध धर्म के लिए, उन सिद्धांतों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे, अगर वो कट्टर ऐसे नागवंशी बुद्धिस्ट थे, तो आज के समय में जो SC ST OBC और इनसे जो धर्म परिवर्तित लोग है ये सारे इतिहास के बुद्धिस्ट लोग ही है। लेकिन चूंकि हमें वर्तमान में काम करना है, वर्तमान में फील्ड में जाना है, लोगों को समझाना है, तो उस हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करना होगा। तो ये जो दूसरे प्रकार के जो बुद्धिस्ट है वो बुद्धिस्ट है कि जो बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बुद्ध को नहीं मानते। अब फील्ड में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिए उसको मानते हैं, आपको फंड भी देते हैं, कार्यक्रम के लिए प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं, और लोगों को बाबा साहब की विचारधारा समझाते भी है, लेकिन उनके घरों में या परिवारों में बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो नहीं किया जाता। जब कभी संस्कारों की बात अगर की जाए तो बुद्धिज्म के अनुसार नहीं किया जाता है। हाँ, वो बाबा साहब को मानते हैं, वो इस बात को भी मानते हैं कि बाबा साहब का ऋण हमारे ऊपर है, वो इस बात को भी मानते हैं कि ऋण हमने चुकाना चाहिए, लेकिन बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वो चेंजेस अभी नहीं हुआ है। तो एक ये बुद्धिस्ट है जो बाबा साहब को मानते लेकिन बुद्ध को नहीं मानते। तीसरे वो बुद्धिस्ट है जो बुद्ध को मानते हैं लेकिन बाबा साहब को नहीं मानते। भारत में है ऐसे भी बुद्धिस्ट है जो बुद्ध को मानते लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है आपका, सिक्किम है, गंगटोक है, नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, और उधर नागालैंड, मिजोरम, उस तरफ भी जो बुद्धिस्ट है तो वो अपने आप को ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कहते हैं। तो वो बुद्ध को मानते हैं लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। जो आम, जो वहां का जन साधारण जो मानसिकता है, तो वो तीसरा प्रकार है जो बुद्ध को मानता है लेकिन बाबा साहब को नहीं मानता। और चौथा वो प्रकार है जो ना ही बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और ना ही बुद्धिज्म को मानते हैं। तो ये हमारे नागवंशी समाज के SC ST OBC के वो लोग हैं जो टोटली ब्राह्मण धर्म में फंसे हुए हैं।
वो ना बाबा साहब को मानते हैं और ना ही बुद्ध को मानते हैं, दोनों को नहीं मानते। लेकिन अगर हिस्ट्री के आधार पर देखा जाए तो वो तो बुद्धिस्ट है, इतिहास के आधार पर देखा जाए तो वो तो बुद्धिस्ट है। तो इसलिए मैंने कहा कि फील्ड में काम करते समय जो प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कत आती है, और हमें फील्ड में काम करते समय किस प्रकार से उस कार्य को करना होगा, इसके लिए एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो ये चार प्रकार के बुद्धिस्ट है। एक वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते, बुद्ध को भी मानते। दूसरे वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते लेकिन बुद्ध को नहीं मानते। तीसरे वो है जो केवल बुद्ध को मानते, बाबा साहब को नहीं मानते। चौथे वो है जो ना बाबा साहब को मानते ना ही बुद्ध को मानते। अब ये जो चार वर्गीकरण से हमें क्या स्पष्ट होता है, इसका क्या महत्व है, वो आपको बता रहा हूं। इन चार वर्गीकरण करने से ये जो चारों अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, जिसे हम बुद्धिस्ट मानते हैं, तो उसमें ये अलग अलग प्रकार के जो बुद्धिस्ट है, इन चारों के कैरेक्टर अलग अलग है, चारों प्रकार के लोगों के सोचने का तरीका अलग है। जब उनके सोचने का तरीका अलग है, उनके कार्य करने का तरीका अलग है, तो और हमें अगर बुद्धिज्म की विचारधारा उन लोगों तक पहुंचानी है, तो इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें बुद्धिज्म की विचारधारा को वहां तक पहुंचाना होगा। इसके लिए क्लासिफिकेशन किया है। अब जो बाबा साहब को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, तो ये क्या है, ये एडवांस लोग है। यानी बाबा साहब के आंदोलन को भी जानते हैं, बुद्ध के आंदोलन को भी जानते हैं, बुद्ध के बेसिक सारी चीजों को वो मानते भी है, जानते भी है और फॉलो भी करते हैं, अपने आप बौद्ध संस्कार भी करते हैं। तो इन लोगों के पास जाकर यहाँ अगर हम प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमें बुद्धिज्म के नेक्स्ट लेवल की बात बुद्धिज्म को समझने और समझाने के लिए करनी होगी, क्योंकि वो बेसिक बातें तो वो ऑलरेडी जानते ही है। बाबा साहब को भी जानते, बाबा बुद्ध को भी जानते हैं, उसको मानते भी है, तो ऑलरेडी वो बेसिक बातें तो जानते ही है। तो प्रचार प्रसार करते समय इस बात को ध्यान रखना होता है। अब दूसरा जो प्रकार है वो है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते लेकिन बुद्ध को नहीं मानते, तो ये क्या है, ये 50% बुद्धिस्ट है। बुद्ध के संस्कार अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बुद्ध अपने घर में बुद्ध की मूर्ति नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिस्ट नहीं है। अगर वो बाबा साहब को मान रहे और केवल बुद्ध के संस्कार और धार्मिक रूप से बुद्धिज्म को नहीं स्वीकार किए है, फिर भी वो 50% बुद्धिस्ट है। बाबा साहब खुद ही बोधिसत्व थे, तो बोधिसत्व को अगर वो फॉलो कर रहे है तो 50% बुद्धिस्ट तो हुए। तो 50% बुद्धिस्ट है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाबा साहब के आंदोलन के लिए अपना बुद्धि हुनर समय श्रम पैसा दे रहे हैं, केवल धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से वो बुद्धिज्म को अपने परिवार में फॉलो नहीं कर रहे है, वो 50% बुद्धिस्ट है। तो ये जो बाबा साहब को मानते लेकिन बुद्ध को नहीं मानते, अब इनका जब हम बुद्धिज्म को लेकर जाएंगे तो यहां समझाने का तरीका अलग होगा। जो बाबा साहब को भी जानते हैं, बुद्ध को भी जानते हैं, मानते हैं, वहां पर जो बातें की गई है वो इस वर्ग के साथ में नहीं की जा सकती है। क्योंकि मैं जब फील्ड में गया तो बहुत सारे लोग हैं जो माननीय काशीराम साहब से प्रेरित है, उनसे प्रभावित है, बामसेप से प्रभावित है, या अन्य जो छोटे मोटे बाबा साहब के नाम पे संगठन चलते हैं उन विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन उनको बुद्धिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो मुझसे कहते थे कि सर ये त्रिशरण कैसे लिया जाता है, पंचशील कैसे लिया जाता है। अब महाराष्ट्र के लोगों के सामने अगर ऐसी बात की जाए कि त्रिशरण कैसे लिया जाता है, पंचशील कैसे लिया जाता है, तो वो सोचेंगे कि भाई कौन से सदी में आप जी रहे हैं, 2022 चल रहा है और आपको त्रिशरण पंचशील नहीं पता, आप बाबा साहब को मानते हैं। तो इसलिए वो जो लोग हैं जो बाबा साहब को भी मानते, बुद्ध को भी मानते हैं, तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। लेकिन जो लोग केवल
बाबा साहब को अभी तक जान पाए हैं या उनको मानते हैं या उनके आंदोलन को मानते हैं, लेकिन बुद्धिज्म से अभी तक उनका पाला नहीं पड़ा। लेकिन वो बुद्धिज्म को जानना चाहते, वो जिज्ञासा तो है, क्योंकि बाबा साहब को मानते तो जिज्ञासा तो रहेगी, लेकिन जानकारी नहीं है। तो वहां क्या करना होगा, वहां जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वहां बुद्धिज्म का नेक्स्ट लेवल की छोड़ो, जो जो स्टार्टिंग लेवल है, उस स्टार्टिंग लेवल से उन्हें बुद्धिज्म बताना होगा। ये दूसरे प्रकार का वर्ग है, हर एक चीज उनको समझानी होगी, बतानी होगी, तब जाके वो जो है बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करेंगे। तो ये फील्ड में काम करने का परिणाम है कि उसमें ये सारी दिक्कत आती है, तो उसको आधार बनाकर ये वर्गीकरण किया। अब तीसरा जो वर्ग है वो बाबा साहब को नहीं मानता लेकिन बुद्ध को मानता है। अब यहां पता है पेच क्या फंस जाता है, क्यों बाबा साहब को नहीं मानता लेकिन बुद्ध को मानता है। तो अगर केवल बुद्ध को अगर वो मानता है तो इन 2500 सालों में, या यूं कहे कि पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद, ब्राह्मणों ने इतने बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म का ब्राह्मणीकरण कर दिया कि उस ब्राह्मणीकरण के बारे में ये जो लोग जो बाबा साहब को नहीं मानते केवल बुद्ध को मानते हैं, वो कब उस ब्राह्मणीकरण में फंस जाते हैं, कब उस बुद्ध के ब्राह्मणीकरण के जाल में फंस जाते हैं या ब्राह्मणवाद में फंस जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। ये समस्या है कि आधुनिक भारत में अगर ब्राह्मणवाद को समझना है या ब्राह्मणवाद के जाल से हमें बचना है, तो उसके लिए तो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा है, या बुद्ध की विचारधारा तो है, बुद्ध के सिद्धांत है, लेकिन उसको वैसा प्रेजेंटेशन करने वाले चाहिए। लेकिन यदि हम बाबा साहब को आज आधुनिक भारत की दृष्टि से देखें, वर्तमान दृष्टि से देखें, तो बाबा साहब को हम नहीं मानते और केवल बुद्ध को मानते हैं, तो 99% चांसेस है कि हम बुद्ध के ब्राह्मणीकरण में फंस जाएंगे या उसके उसके ब्राह्मणों के जाल में फंस जाएंगे। बाबा साहब का होना जरूरी है। तो जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते केवल बुद्ध को मानते हैं, तो उन लोगों को बुद्धिज्म समझाने का तरीका फिर अलग हो जाएगा। जैसा इन दोनों को हम बुद्धिज्म समझा सकते हैं या बता सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं, वैसा तीसरे के साथ नहीं कर सकते। तीसरे के साथ नहीं कर सकते, एक तो उनके अंदर पहले से ही गर्व की भावना है कि हम पहले से बुद्धिस्ट है, खानदानी बुद्धिस्ट है, तुम लोग तो अभी अभी कन्वर्टेड होके बुद्धिस्ट बने हो, बाबा साहब अंबेडकर ये कोई बौद्ध धर्म गुरु थोड़ी थे, ये तो नेता थे। आम जो सोच है वो सोच की मैं बात बता रहा हूं, जो बाबा साहब को नहीं मानते केवल बुद्ध को मानते हैं, उनकी सोच बता रहा हूं। बाबा साहब कोई धार्मिक गुरु तो थे नहीं, धम्माचार्य तो थे नहीं, बोधाचार्य तो थे नहीं, वो क्या थे, वो तो नेता थे। तो नेता की बात हम क्यों माने, हम तो साला हजारों सालों से, हम पहले से 1500-2000 साल से हम बुद्ध को फॉलो करते हुए आ रहे, आज तक हमारे खानदान ने बुद्धिज्म को नहीं छोड़ा है, तो हम आपकी क्यों सुने, यानी अंबेडकरवादी लोगों की क्यों सुने। तो वहां पर जो समझाने का तरीका है फिर वह चेंज हो जाएगा। तो वहां उन्हें बुद्ध के ब्राह्मणीकरण से बाहर निकालने का काम करना होगा, वो और एडवांस जानकारी वाला मामला है। बुद्ध का कहा कहा कैसे कैसे ब्राह्मणीकरण किया, ये सारा उन्हें समझाना होगा, तब जाके वो इस बात को जानेंगे, समझेंगे, और फिर बाबा साहब अंबेडकर को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। भाई आपको लगता है कि बाबा साहब नेता थे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने पॉलिटिकल फील्ड में जो काम किया उसके ऊपर तुम मत विचार करो, लेकिन बाबा साहब ने बुद्धिज्म पे जो लिटरेचर लिखा है उसका तो अध्ययन कर सकते हो ना। जिंदगी भर केवल पॉलिटिक्स ही नहीं की ना बाबा साहब ने, बुद्धिज्म का भी तो काम किया है ना, बुद्धिज्म के ऊपर रिसर्च किया है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे है, तो उन ग्रंथों का अध्ययन करो, उसके बारे में जानो, उसके बारे में समझो। तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है तो वो तो ले सकते हो। अब बाबा साहब कोई छोटे मोटे आदमी थे नहीं, दुनिया के विद्वानों में उनका नाम आता है, ग्रेट थिंकर में उनका नाम आता है,
तो उन्होंने बुद्धिज्म पे जो लिटरेचर लिखा है, उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में जो रिसर्च करके बात निकाली है, तो उसको तो ले सकते हो, ऐसा उनको समझाना होता है। जो बाबा साहब को नहीं मानते, केवल बुद्धिज्म को मानते हैं, तो ये इनको समझाने का तरीका अलग है। चौथे वो बुद्धिस्ट है कि जो ना बाबा साहब को मानते हैं ना बुद्ध को मानते हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट है, वो इतिहास के बुद्धिस्ट है, लेकिन आज के तारीख में वो ब्राह्मण धर्म को मानते हैं या ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं, जिसे आज के समय में ये हिंदू धर्म कहते हैं, तथाकथित हिंदू धर्म। तो ये जो चौथा प्रकार है, इस चौथे प्रकार के व्यक्ति को जो कि ना बाबा साहब को मानता ना बुद्ध को मानता है, तो इनको समझाने का तरीका फिर अलग हो जाएगा। अगर उनको आप बुद्धिस्ट बनाना चाहते या बुद्ध धम्म का उनके बीच प्रचार करना चाहते हैं, तो वो तो ना बाबा साहब को मानते हो ना बुद्ध को मानते हैं। आप बाबा साहब लेके जाओगे तब भी आपको भगा देंगे, बुद्ध लेके जाओगे तब भी आपको भगा देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो बुद्धिस्ट है, लेकिन वो तो नहीं जानते ना। और जबरदस्ती आप उसके दिमाग पर ठूस तो सकते नहीं हो, तो वहां तरीका बदल जाएगा। तो फिर वहां क्या करना होगा, वहां उनको इतिहास बताना होगा, उनको उसकी जानकारी देनी होगी, उन्हें उनके अधिकार बताने होंगे, विभिन्न अधिकारों के खिलाफ में कौन काम कर रहा ये समझाना होगा। वह बुद्ध और बाबा साहब इसके बजाय उनके फायदे की बात समझानी होगी। जब उनके फायदे की बात हम समझाएंगे तब वो हमारी बात सुनेंगे, और सुनने के बाद फिर संगत में एक बार आ गए तो उस संगत का असर होगा कि फिर वो बाबा साहब बुद्ध को मानना शुरू करेंगे। तो ये भी बुद्धिज्म के प्रचार का ही एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति आज ब्राह्मण धर्म में है, फुल सपोर्ट ब्राह्मण धर्म में है, उसके लिए जी जान लगाने को तैयार है, तो उस व्यक्ति को अगर आप बुद्धिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को अगर अपना इतिहास पता चल जाए, 2000 साल का इतिहास पता चल जाए, 2500 साल का इतिहास पता चल जाए, और क्रमबद्ध तरीके से वो सारी धीरे 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 जानकारी उसको मिल जाए, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल में, तो इधर फिर चेंजेस हो जाएगा। लेकिन वहां अगर आप कहेंगे कि भाई आप बुद्ध का त्रिशरण पंचशील करो, तो वो भगा देगा, वो तो नहीं मानने वाला ना, और तो पूरी तरीके से ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता है। तो उन्हें फिर इतिहास समझाना होगा, अपनी जानकारी देनी होगी, इतिहास की जानकारी देनी होगी, तब जाके वो इस बात को मान सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम भारत के बौद्धों का क्लासिफिकेशन करते हैं और बाबा साहब को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मेरे विचार से भारत में ये मूल रूप से 4 प्रकार के बुद्धिस्ट होते हैं, और इन चारों का कैरेक्टर अलग अलग है, और इन चारों को समझाने का तरीका भी अलग अलग है, और चारों को समझाते समय जो फील्ड में हम काम करते हैं या धम्म का प्रचार करने जाते हैं, तो इस बात को इन चारों के वर्ग जो इन चारों प्रकार के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने बुद्धिज्म की बात समाज में फील्ड में करनी चाहिए, तब हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में काफी दिन से था, तो मैंने सोचा कि हमारे साथियों को भी ये जानकारी हो जो समाज में धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं और विभिन्न वर्ग में विभिन्न तरह के लोगों में जाते हैं, तो उनको ये पहले ही जानकारी हो जाए कि आखिर समाज में कितने प्रकार के बौद्ध रहते हैं और उनके साथ हमने किस प्रकार से बात करनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी, तो आप वीडियो को लाइक करिए, और इससे संबंधित और अगर आपके पास में कोई जानकारी है जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट में आप वो जानकारी ऐड कर दीजिए। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो या रह गया हो, मैंने तो मेरे अनुभव के आधार पर इस वर्गीकरण को आपके सामने रखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूलवासी।